हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंटेलिजेंट नैनो स्प्रे ह्यूमिडिफायर। इससे पहले भी हमने दो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके के ह्यूमिडिफायर्स को रिव्यू किया हुआ है। आपको वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो ह्यूमिडिफायर डिवाइस रिव्यू किया हुआ था वो सिर्फ इंडोर यूज़ के लिए था, उसमें किसी तरीके का पावर बैकअप नहीं होता था। उसके कंपैरिजन में ये वाला जो ह्यूमिडिफायर है इसे आप आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका आउटपुट पावर 2 वॉट का है और 3.7 वोल्टेज पे ये ऑपरेट होता है। इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी 40 ml की है और इसे आप एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके बॉक्स को खोलकर देख लेंगे अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले आ जाती है इसकी चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ आती है, और उसके बाद ही आ जाता है हमारा मेन डिवाइस। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी बॉक्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट कलर का हमारा डिवाइस है और इसका साइज़ भी आप समझ सकते हैं काफ़ी छोटा सा है। बैक साइड पे इसके दो पोर्ट्स दी गई है, एक नॉर्मल यूएसबी है और एक माइक्रो यूएसबी है। नॉर्मल यूएसबी पोर्ट को यूज़ करके आप इसे एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं और माइक्रो यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। इस डिवाइस को ऑपरेट करना काफ़ी ईजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके फ्रंट साइड पर एक स्विच दी गई है, इस स्विच को बस हमें नीचे खींचना है और ये डिवाइस ऑन हो जाता है। जैसे ही डिवाइस ऑन हो जाएगा इसके अंदर की ब्लू लाइट्स जलने लगती है। तो अब हम देख लेंगे हमें किस तरीके से इसके अंदर लिक्विड फिल करना होता है। ऊपर का जो टॉप कैप है उसे बस आपको ट्विस्ट करना है और ये ओपन हो जाता है। इसी कैप के अंदर हमें लिक्विड भरना होता है। टॉप कैप के ऊपर भी एक कवर था जिसे मैंने काफ़ी खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुला। तो अब हम इसके टॉप वाले पोर्शन में लिक्विड फिल कर लेंगे। मैं इसके अंदर नॉर्मल टैप वाटर फिल करने वाला हूँ। आप कोई भी नॉर्मल वाटर या मिनरल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको वाटर ही इसमें फिल करना है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। तो अब हमने इसमें अच्छे से पानी भर लिया है। ध्यान रहे कि आपको इसके कैप में पूरा पानी नहीं भरना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। तकरीबन 95% कह सकते हैं कि आप पानी भर लीजिए, बाकी 5% आपको छोड़ देना है। ऊपर का जो एक्स्ट्रा पानी जो लगा हुआ था इसके ऊपर वो मैंने साफ़ कर दिया है टिश्यू की मदद से। अब मैं इसके कैप को मशीन में वापस से फिक्स कर दूंगा। तो अब हमारा डिवाइस रेडी है टेस्टिंग के लिए। इसके फ्रंट में जो एक स्विच दी गई थी हमें उस स्विच को बस नीचे स्लाइड करना है और मशीन ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद कुछ ही सेकेंड्स में ये आउटपुट देने लगती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही फाइन या कह सकते हैं नैनो साइज के मॉइस्चर पार्टिकल्स इसमें से निकलने लग रहे हैं। इसका जो वेपर्स आउटपुट है वो काफ़ी बढ़िया फ्लो में आ रहा है। फ्रेंड्स, ह्यूमिडिफायर यूज़ करने के काफ़ी सारे फायदे हैं जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। अगर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है या आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, तो ऐसी सिचुएशन में ह्यूमिडिफायर यूज़ करने से आपको काफ़ी आराम मिल सकता है, काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ह्यूमिडिफायर के इस्तेमाल से आपके आसपास की हवा का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, जिस वजह से आपको काफ़ी काम या काफ़ी सुकून महसूस होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ह्यूमिडिफायर के इस्तेमाल से आपकी स्नोरिंग या आप जो खराटे लेते हैं सोते वक्त उसमें भी काफ़ी कमी पाई गई है। साथ ही ह्यूमिडिफायर के इस्तेमाल से काफ़ी सारे नेजल इश्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से आपको बढ़िया नींद आती है। अब हम इसके लिक्विड पोर्शन को खोलकर इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हमारी फेवरेट परफ्यूम की डाल देंगे। ऐसा करने से इसका जो आउटपुट है वो खुशबूदार हो जाएगा। परफ्यूम डालते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बस कुछ ही ड्रॉप्स परफ्यूम की इसके अंदर डालें। अगर आपने इसमें ज़्यादा परफ्यूम डाल दिया तो उस वजह से ये जो डिवाइस है ये क्लॉग हो सकता है या डैमेज हो सकता है। परफ्यूम डालने के बाद मैंने इसके टॉप पोर्शन को क्लोज कर दिया था और आप देख सकते हैं वापस से कुछ ही सेकेंड्स में ये फिर से आउटपुट देना शुरू कर दिया है। अभी जो इसका आउटपुट आ रहा है वो काफ़ी खुशबूदार आ रहा है, जो कि मेरे परफ्यूम की स्मेल थी, सेम स्मेल मुझे अभी आने लग गई है। इस डिवाइस में परफ्यूम डालने के बाद और इस्तेमाल से पहले आपको इसे अच्छे से शेक कर लेना है ताकि जो परफ्यूम है वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसकी आउटपुट स्मेल को चेंज करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें इसके अंदर के जो लिक्विड है उसे चेंज करना होगा।
तो अब हम इसके टॉप पोर्शन को वापस से खोल लेंगे और इसमें जो ऑलरेडी जो पानी भरा हुआ है उसे फेंक कर इसमें नया पानी भर लेंगे। तो अब हमने इसके अंदर के लिक्विड को चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ बूंद हमारे दूसरे वाले परफ्यूम की डाल लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बस कुछ बूंदें ही आपको इसके अंदर डालनी है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापस से इसके टॉप पोर्शन को मशीन के साथ अटैच कर देंगे। तो स्विच ऑन करने के कुछ सेकेंड्स में ही आपको इसका आउटपुट मिलने लगता है। तो अब हमें इसके अंदर से वापस से एक बढ़िया सी स्मेल आने लग गई है, क्योंकि हमने परफ्यूम चेंज किया था तो पहले वाली परफ्यूम की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही है और जो दूसरा परफ्यूम हमने डाला था उसी की स्मेल मुझे अभी आ रही है। तो इस तरीके से आप इस डिवाइस को एज एन अरोमा डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाय कार ट्रैवल करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कार के जो परफ्यूम्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस तरीके का ह्यूमिडिफायर डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। आपको आपके जर्नी शुरू करने से पहले अपने फेवरेट परफ्यूम की कुछ बूंदें इसके अंदर स्प्रे कर देनी है और आप पूरे सफ़र अपने फेवरेट परफ्यूम की जो स्मेल है उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर 2600 mAh की बैटरी होती है। एक बार चार्ज करने पर ये 2 से 3 दिन बराबर काम करता है। मैंने खुद इसे इस्तेमाल किया है, लेकिन जब आप इसे एज अ पावर बैंक यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में इसका जो बैकअप है वो कम हो जाएगा। इस डिवाइस की कीमत 400 से 500 रुपये के बीच में होती है और ये आपको ज़्यादातर ऑनलाइन स्टोर्स पर मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा ये रिव्यू वीडियो पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा। आपको कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।